हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि बच्चे को सुलाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई हैड हार्ड टाइम पुटिंग द किड टू बेड। I had a hard time putting the kid to bed. तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, जब भी हम कहते हैं कि मेहनत लगी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे had a hard time। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है, बच्चे को सुलाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। I had a hard time putting the kid to bed। इस वक्त बच्चों का देखभाल कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस वक्त बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, राइट नाउ हु इज़ लुकिंग आफ्टर द किड्स। राइट नाउ हु इज़ लुकिंग आफ्टर द किड्स। तो लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट नाउ यानी कि इस वक्त हु इज़ लुकिंग आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है। मैंने बच्चों को अपनी बहन की देख रेख में छोड़ा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि आई लेफ्ट द चिल्ड्रन इन द केयर ऑफ माई सिस्टर। I left the children in the care of my sister। तो देख रेख में इसके लिए हमने यूज़ किया है in the care of। तो कह रही है कि I left the children in the care of my sister यानी मैंने बच्चों को अपनी बहन की देख रेख में छोड़ा। वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। She will take good care of them। She will take good care of them यानी वो उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। She will take good care of them। यहाँ ज़्यादा हंगामा मत करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहा है, बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा है। तो उससे कह रहा है कि डोंट कोज मोर कमोशन हेयर। कमोशन मतलब शोर शराबा, हंगामा। डोंट कोज मोर कमोशन हेयर यानी यहाँ ज़्यादा हंगामा मत करो। डोंट कोज मोर कमोशन हेयर, मुझे लगता है आज के लिए यानी कि एक दिन के लिए तुमने काफ़ी हंगामा कर लिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई थिंक यू हैव कोज्ड इनफ कमोशन फॉर वन डे। I think you have caused enough commotion for one day। कह रहा है कि मुझे लगता है एक दिन के लिए यानी आज के लिए तुमने काफ़ी हंगामा कर दिया। I think you have caused enough commotion for one day। यहाँ पर ये देख के कह रहे हैं कि वो यहाँ सिर्फ हंगामा करने आई है यानी वो यहाँ सिर्फ हंगामा करने के लिए आई है। इनके कहने का मतलब है कि वो यहाँ हंगामा करने के लिए है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, शी इज़ हेयर जस्ट टू कोज अ कमोशन। She is here just to cause a commotion। यानी वो यहाँ सिर्फ हंगामा करने आई है। She is here just to cause a कमोशन। तुम्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। सो फ्रेंड्स, फिर से इसने कहा मेहनत लगी। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम कहते हैं मेहनत लगी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड अ हार्ड टाइम। तो कह रही है कि मुझे तुम्हें ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड अ हार्ड टाइम फाइंडिंग यू। I had a hard time finding you यानी तुम्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। I had a hard time finding you। ना तो मुझे तुम्हारा एड्रेस पता था और ना ही तुम्हारा फ़ोन नंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे तुम्हें ढूंढने में मेहनत इसलिए लगी क्योंकि आई न्यू नीदर योर एड्रेस नोर योर फ़ोन नंबर। आई न्यू नीदर योर एड्रेस नोर योर फ़ोन नंबर यानी ना तो मुझे तुम्हारा एड्रेस पता था और ना ही फ़ोन नंबर। आई न्यू नीदर योर एड्रेस नोर योर फ़ोन नंबर। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू विथ फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स मैंने कल भी बताया था, इसका मतलब होता है हाथ जोड़कर। कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू विथ फोल्डेड हैंड्स यानी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू विथ फोल्डेड हैंड्स। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आई आस्क यू फॉर पार्डन विथ फोल्डेड हैंड्स। I ask you for pardon with folded hands यानी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी यानी कि क्षमा मांगता हूँ। I ask you for pardon with folded hands। Please David मुझसे ऐसा मत करवाओ। तो David इससे कुछ गलत करवा रहा है। तो कह रहा है कि Please David मुझसे ऐसा मत करवाओ। Please David don't make me do this। तो जब भी आप किसी से कहते हो कि मुझसे ऐसा मत करवाओ तो आप बोलोगे don't make me do this। तो यहाँ पर ये David नाम के एक लड़के से कह रहा है कि Please David मुझसे ऐसा मत करवाओ। Please David don't make me do this। प्लीज़ डेविड डोंट मेक मी डू दिस। प्लीज़ डेविड मुझसे ऐसा मत करवाओ। तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। यू आर लाइक अ सन टू मी। यू आर लाइक अ सन टू मी यानी तुम मेरे लिए मेरे जैसे बेटे की तरह हो। जैसे हम कह देते हैं ना, कोई बड़ा किसी बच्चे से कह देता है कि तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू आर लाइक अ सन टू मी यानी तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जैसे ही आग लगी सब घबरा गए। इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, एज द फायर ब्रोक आउट एवरीवन पैनिक्ड।
एज द फायर ब्रोक आउट एवरी वन पैनिक्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आग लगने के लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है ब्रेक आउट का। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि एज द फायर ब्रोक आउट, जैसे ही आग लगी एवरी वन पैनिक्ड, सबके सब घबरा गए। ये तो अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इट्स अ गुड थिंग नो वन गॉट हर्ट। इट्स अ गुड थिंग नो वन गॉट हर्ट। तो जैसे यहाँ पर ये कह रही है कि ये तो अच्छी बात है, इसके लिए हम बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग नो वन गॉट हर्ट। ये तो अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई। मैं इन दिनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम वेरी बिजी दिस डेज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। आई एम वेरी बिजी दिस डेज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी इन दिनों में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं इस तरह का कोई वादा नहीं करूँगा। यहाँ पर इससे कोई वादा करने को कह रहे हैं, कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं इस तरह का कोई वादा नहीं करूँगा। आई विल मेक नो प्रोमिस ऑफ दिस काइंड। आई विल मेक नो प्रोमिस ऑफ दिस काइंड, यानी मैं इस तरह का कोई वादा नहीं करूँगा। आई विल मेक नो प्रोमिस ऑफ दिस काइंड। अगर मैं इतना व्यस्त ना होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। कह रहा है कि इफ आई वरंट सो बिजी, इफ आई वरंट सो बिजी, यानी अगर मैं इतना व्यस्त ना होता, इफ आई वरंट सो बिजी आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करता, इफ अगर आई वरंट सो बिजी, मैं इतना व्यस्त ना होता। आज मैंने टॉम को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। तो टॉम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और इसने दूर से सुना उसे फ़ोन पर बात करते होते, इसलिए इंग्लिश में बोलेंगे, टुडे आई ओवरहर्ड टॉम टॉकिंग विथ समबडी ऑन द फोन। टुडे आई ओवरहर्ड टॉम टॉकिंग विथ समबडी ऑन द फोन, यानी आज मैंने टॉम को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, समवन इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। Someone is conspiring against me, यानी कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। Someone is conspiring against me। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम में से किसी को जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और ना ही तुम में से किसी को जाना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलेंगे, एंड नीदर शुड एनी ऑफ यू। एंड नीदर शुड एनी ऑफ यू, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम में से किसी को जाना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर एंड नीदर शुड एनी ऑफ यू। ध्यान रखना, एंड नीदर शुड एनी ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एंड नीदर शुड एनी ऑफ यू, और ना ही तुम में से किसी को जाना चाहिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम बुरा मत मानो, इफ़ यू डोंट माइंड आई विल गो अलोंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड आई विल गो अलोंग विद यू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम हर बार मुझे देखकर हंसते क्यों हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है कि कोई तुम्हें देख कर हंसता है तो आप उससे पूछते हो कि भाई तुम मुझे हर बार देखकर हंसते क्यों हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी। तो यहाँ पर हर बार के लिए हमने यूज़ किया है एवरी टाइम। वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी, तुम मुझे हर बार देख कर हंसते क्यों हो। वाई डू यू लाफ एवरी टाइम यू सी मी, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट गिव हिम अ चांस। वी मस्ट गिव हिम अ चांस, यानी हमें उसे एक मौका देना चाहिए। वी मस्ट गिव हिम अ चांस। देखो मैं यहाँ नहीं आता। कह रहा है कि लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर। ये यहाँ पर आ गया, कोई से पूछ रहा है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। तो कह रहा है कि लुक, देखो आई वुडेंट हैव कम हेयर, मैं यहाँ नहीं आता। लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर, अगर तुमने मेरी कॉल्स का जवाब दे दिया होता। इफ़ यू हैड आंसर्ड माई कॉल्स, इफ़ यू हैड आंसर्ड माई कॉल्स, यानी अगर तुमने मेरी कॉल का जवाब दे दिया होता, आई वुडेंट हैव कम हेयर, तो मैं यहाँ नहीं आता। सो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस था, ये थर्ड कंडीशनल है, मैंने कई दफ़े समझाया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के जितने भी लास्ट के सेंटेंसेस थे, 4 से 5, वो हमने रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से। ये जो आप देख रहे हो, जितने भी 4-5 सेंटेंस हैं लास्ट के, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो के यूज़ किए हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसीलिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको रिपीट करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। सो अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।